गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। तो अब जो है 21 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम कल्चरल डाइवर्सिटी को, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर सकें। तो ये आइडिया किसने दिया था ये सेलिब्रेट करने का? तो बांग्लादेश की तरफ से ये आइडिया आया था, और फिर यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ये आइडिया को अडॉप्ट किया और 21 फरवरी को डिक्लेयर किया कि अब से ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। तो साल 2000 में ये डिक्लेरेशन हुई थी। तो हर साल का थीम होता है, जैसे इस साल का थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जिन्होंने इस बार प्री का एग्जाम देखा था 2021 का, उनको पता होगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था इस साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के ऊपर, सेम एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था। तो वो आप देख सकते हो कि ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने अभी रिसेंटली ईवी के जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, तो उन्होंने उसको कंसोलिडेट कर दिया है और वो गाइडलाइंस जो है वो उन्होंने इशू की हैं दोबारा से। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेटस देखते हैं कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये गोल है कि इंडिया में 3x3 किलोमीटर के ग्रिड में एटलीस्ट एक ईवी चार्जिंग का स्टेशन ज़रूर होना चाहिए। तो अभी तक हम जो है 1640 ईवी चार्जिंग स्टेशंस बना चुके हैं इंडिया में। मोस्ट ऑफ द जो है वो 9 सिटीज़ में जो है वो जो है अवेलेबल है। तो अभी हमारा शुरू में फोकस तो सिर्फ 9 मेगा सिटीज़ में है, लेकिन हमारा मोटिव ये भी है कि हम जो है इन 9 सिटीज़ से बढ़ के भी आगे जो है और बनाएँ, जो अपना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएँ। ठीक है, तो जैसे सिर्फ अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक इन 9 सिटीज़ के अंदर 678 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा चुके हैं, जो कि 2.5 टाइम्स हैं पिछले सेम टाइम के नंबर्स के। ठीक है, तो अब हम ये गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा हमने स्टैटिस्टिक्स को देख लिए, लेकिन हम गाइडलाइंस देखते हैं क्या कह रही हैं। तो गाइडलाइंस जो हैं कह रही हैं कि अफोर्डेबल टैरिफ चार्ज किया जाना चाहिए, जो कि लोग अपना चार्जिंग करने आएंगे ईवीज की इन स्टेशन पे, तो उनसे कोई ज़्यादा चार्जेस ना लगें, उनको अफोर्डेबल हो वो। और लोगों को हम ऐसा भी करना चाहते हैं कि जो ओनर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, वो अपने घर पे भी चार्ज कर सकें ईवीज़ को, या अपने ऑफिसेज़ में भी चार्ज कर सकें। फिर एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल दिया है ताकि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो लॉस मेकिंग ना हो, फिर तो कोई खोलेगा ही नहीं, एक्सपेंड ही नहीं करेगा इंडिया में रहे। तो इसलिए एक फाइनेंशियली वाइबल एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी उनको दिया जा रहा है। टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की जा रही है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस जो है वो कैसे इंडिया में हम फैलाएंगे, कैसे हम कनेक्टिविटी उसकी बढ़ाएंगे, उसकी टाइमलाइन भी प्रिस्क्राइब की गई है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं कि कैसे कैसे क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या जो है टेक्निकल मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया है, रादर उन्होंने कमिट किया है कि वो 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो है वो प्रोमिनेंट सिटीज़ में और नेशनल हाईवेज में अक्रॉस द कंट्री लगाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। तो एक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ ही एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है मैसियर 77। तो वहाँ पर हमें एक डोनट शेप्ड क्लाउड मिला है कॉस्मिक डस्ट और गैस का, और वो ह्यूज ब्लैक होल के पास है। तो अब वो उसको हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे एरिया में है कि वो आपका जो है मैसियर 77 की जो गैलेक्सी है उसके बिल्कुल सेंटर में लगा लो। ठीक है, वो उसके बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पर वो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, और वो और जो ये एरिया है जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई का, तो ये बहुत ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी है, मतलब बहुत चमक है इस एरिया की, जो गैसेस हैं वहाँ की वो उसको चमक दे रही हैं उस एरिया को। और ये यूनिवर्स में इस एरिया में इस ऐसी एरिया जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, जो आपके किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और वो बहुत चमक होती है, जहाँ से इरप्ट हो रही होती है वो चमक, जनरली जो है वहाँ से बहुत एनर्जी निकलती है उस एरिया से, इसीलिए वहाँ से हम कहते हैं कि जो है ये ल्यूमिनोसिटी वहाँ पर बहुत हाई होती है। ठीक है, तो बहुत सारी गैसेज निकल रही हैं, उसकी वजह से चमक भी आ रही है और उसकी वजह से एनर्जी का भी आउटबर्स्ट हो रहा है इन एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो आप समझ लो कि एक वॉल्केनिक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि वो एक ऐसा एरिया जहाँ से बहुत बड़े लेवल पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है। तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, बाकी ऑफकोर्स वॉल्केनिक इरप्शन वो नहीं है, बट आपको सिर्फ समझने के लिए। वॉल्केनिक इरप्शन में भी क्या होता है, ल्यूमिनोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, गैसेज रिलीज हो रही होती हैं, तो वो आपके
गैलेक्सी के बीच का ये पार्ट है, ठीक है। तो मैसियर 77 क्या है? एक गैलेक्सी है जो कि 47 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से। यहाँ पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, वो इतना बड़ा है कि जो हमारे सन है उससे वो 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूवी स्वामीनाथन अय्यर जी। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं तमिल था इनको हम कहते हैं यूवी स्वामीनाथ अय्यर जी को। तो ये एक तमिल स्कॉलर और रिसर्चर थे जिन्होंने बहुत सारे तमिल लिटरेचर को जो है वो एक तरह से रीइग्नाइट किया था, दोबारा से उन्होंने उनको जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स में लेके आए थे। 90 बुक्स उन्होंने अपने लाइफ टाइम में लिखी, 3000 पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी और बहुत तरह तरह के उन्होंने वेरियस नोट्स लिखे, ठीक है। तो एक तरह से तमिल लिटरेचर के वो बहुत ही फेमस जो हैं वो राइटर हैं। उनको वहाँ के लोग जो हैं तमिल लोग उनको तमिल थाथा भी कहते हैं, तमिल मतलब तमिल ग्रैंडफादर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्वांटानामो बे। तो ये आपको पता होगा कि यूएस की एक प्रिजन है, बहुत बड़ी, बहुत फेमस है, हमेशा गलत कारणों की वजह से न्यूज़ में रहती है। तो अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पर भी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइलेंटली काम कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ से प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे और उसके बाद ग्वांटानामो बे डिटेंशन फैसिलिटी को एटलीस्ट शट डाउन करने का वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्वांटानामो बे है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री प्रिजन है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? क्यूबा में। वैसे यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं क्यूबा के साथ, लेकिन क्यूबा में एक उन्होंने कोस्ट पे ग्वांटानामो बे प्रिजन बनाई है, वो उनकी मिलिट्री फैसिलिटी है, नेवल बेस है उनका। 2002 में वहाँ पर 780 पीपल को डिटेन किया गया था। ये हमेशा गलत कारणों से न्यूज़ में रहती है क्योंकि यहाँ पर जो है इनडेफिनेटली डिटेंशन की जाती है लोगों की, टेररिस्ट कन्विक्ट्स की या फिर इवन अक्यूज की, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई ट्रायल नहीं मिलता, उनको टॉर्चर किया जाता है। ऐसे जो है एलिगेशंस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लगाए हैं। तो इसको कब बनाया गया था? इसको यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब थे तो उन्होंने 2002 में जो है इसको बनाया था, जब उन्होंने वॉर ऑन टेरर को अनाउंस किया था आफ्टर 9/11 अटैक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मॉथ्स। मॉथ्स क्या होते हैं? मॉथ्स एक समझ लो इंसेक्ट्स हैं जो कि मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब जो रात को भी जो है वो रात को भी जो है वो चलते हैं या काम अपना जो है वो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे इस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे हिमालयन इकोसिस्टम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मॉथ्स जो है वो वहाँ पर पॉलिनेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन होता क्या है? जब हम पॉलन ग्रेन्स एक मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से जो है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में जो है जब ट्रांसफर होता है, तो उससे जो है क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसी से जो है फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, ठीक है। सो जो है फ्रूट्स ब्लूम होते हैं, उसी से ही सीड बनता है। तो अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड, ये तो सब आपको पता होगा, ये तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा पॉलिनेशन के पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो अब हमने देखा है कि अभी तक हमारी जितनी भी स्टडीज हैं वो सिर्फ बीज या बटरफ्लाइज जैसी जो है डायर्नल क्या होती हैं, जो दिन में वर्क करती हैं, बीज या बटरफ्लाई ये रात को नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन जो ये मॉथ्स होते हैं ये आपको नॉक्टर्नल होते हैं, रात को भी आप जो है ऑपरेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ डायर्नल पॉलिनेटर जो हैं, जो कि बी या बटरफ्लाई, इनके ऊपर ही फोकस रखते थे अपनी स्टडीज़ का, लेकिन पहली बार हम जो है नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं जो कि हमारे ये मॉथ्स हैं, ठीक है। तो 65% ऑफ मॉथ्स देखा गया है कि ये इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स जो है वो उनको ट्रैप, उनको जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में कैरी करते हैं और उससे पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्री डे एंड एरिबिडे, ये दो तरह की वैरायटी हैं जो कि हिमालयन रीजन में खासकर जो है पॉलन ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत हेल्प कर रही हैं, ठीक है। अब मॉथ्स होते क्या हैं? पैराफिलेटिक मतलब क्या होता है कि इनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, ठीक है। बटरफ्लाइज और जो हैं उनके और बीज के जो हैं कॉमन एंसेस्टर्स हैं, लेकिन मॉथ्स के जो है वो कॉमन एंसेस्टर नहीं है, जबकि वो सेम एज बटरफ्लाई आपको देखने को लगेंगे, ठीक है। दोनों ही जबकि लेपिडोप्टेरा जो है ऑर्डर के हैं, लेकिन बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनोफिलेटिक हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, लेकिन जो है मॉथ्स हैं इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन जब ऑफकोर्स ये दोनों इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने गाइडलाइंस इशू किए हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में भी अमेंडमेंट किया गया था और कहा गया था उस रूल में कि हम कुछ टाइम में गाइडलाइंस इशू करेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो वो गाइडलाइंस को इशू किया गया। तो ये गाइडलाइंस क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि हम सर्कुलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ठीक है, वही रीयूज़ रिसाइकल, है ना, हमने अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था सर्कुलर इकोनॉमी की
बात, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं प्लास्टिक का, रीयूज करें रिजिड प्लास्टिक का, ताकि उसको जो है वो वेस्ट में ना फेंका जाए, ठीक है। तो वेस्ट उससे हम बचाने के लिए उसको हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। और उन्होंने बताया है इस गाइडलाइंस में कि मिनिमम लेवल ऑफ रिसाइकिलिंग कितनी करनी है जो प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक हैं, ठीक है, उनको मिनिमम अमाउंट की रिसाइकिलिंग करनी ही करनी पड़ेगी। फिर इससे होगा क्या, जब उनको रिसाइकिलिंग करनी पड़ेगी तो इससे एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जो सेक्टर है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, रिसाइकिलिंग करने के लिए जो है एक अलग से इंडस्ट्री जो है डेवलप हो जाएगी। इससे क्या है कि अब समझ लो कि कोई कंपनी है या कोई प्रोड्यूसर है, जैसे आप समझ लो एग्जाम्पल ले लो कि कोई मोबाइल फ़ोन मेकर सैमसंग, ठीक है, तो वो बहुत प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, तो अब वो इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनकी जितनी ऑब्लिगेशन है उनको कि उनको इतना रिसाइकल करना है या रीयूज करना है, वो अगर उसको नहीं कर पाते हैं, वो एक साल का समझ लो टारगेट अपना नहीं पूरा कर पाए, तो वो परचेज कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स कैसे परचेज कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई और कंपनी ज़्यादा प्लास्टिक को है वो रिसाइकल कर दे या रीयूज कर दे, तो वो पैसे देकर जो है वो उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने उसमें हमने कार्बन क्रेडिट्स देखा है ना, वैसा ही फिनोमेना जो है ये इसमें भी लाया गया है। अब इससे होगा क्या कि जो पैसा आएगा उससे गवर्नमेंट है जो है वो, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज मोस्टली या प्राइवेट एजेंसीज जो हैं वो कहाँ पर इसको यूज़ कर सकती हैं, इस पैसे को जो ये सर्टिफिकेट्स परचेज करने से आएगा, तो इस पैसे को भी जो है ऑफकोर्स कलेक्शन रिसाइकलिंग या फिर डिस्पोजल ऑफ अनकलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को जो है उसी इन्हीं कंटेक्स्ट में इस पैसे को भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई नॉन फुलफिलमेंट करता है, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ लो सैमसंग ना तो सर्टिफिकेट खरीद पाया और ना ही वो रिसाइकल या रीयूज कर पाया, तो उनके ऊपर जो पेनल्टीज लगेंगी उसका गवर्नमेंट ऑफ कोर्स यूज करेगी अनकलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को ट्रीट करने में, ठीक है। अब ये गाइडलाइंस कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से जो है वो लागू होंगी। तो अब हम दोबारा से बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी देख लेते हैं जिसमें ये गाइडलाइंस जो है वो आने डालने को कहा गया था। तो वैसे तो ये गाइडलाइंस जो रूल्स हैं 2016 के हैं, बट उनमें कुछ अमेंडमेंट की गई थी अभी रिसेंटली, आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक, तो उन हम अमेंडमेंट्स को भी देख लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनको पहले जो है 40 से 50 माइक्रोन्स तक जो है उसका साइज बढ़ाने को कहा गया था, लेकिन अब जो है 2021 में उनको 75 से 120 माइक्रोन्स बढ़ाने को कहा गया, ठीक है। अब होगा क्या, जब आपके प्लास्टिक बैग्स में ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होगा तो आप अपने प्लास्टिक बैग आपका फटेगा नहीं, आपका प्लास्टिक बैग बार बार यूज़ हो पाएगा, क्योंकि अगर आप पतले प्लास्टिक बैग होते हैं तो वो फट जाते हैं, आप उसको फेंक देते हो, लेकिन अगर आप बहुत मोटे उसके होंगे, बहुत ही थिक होंगे प्लास्टिक बैग्स, तो वो ज़्यादा बार यूज़ हो पाएंगे। जैसे समझ लो नोट है, कोई पब्लिक के आपके जो करेंसी का नोट होता है अगर वो बहुत पतला है तो वो आपका 2-4 बार हाथों में एक्सचेंज होगा, आपने किसी और को दिया हो, उसने कहीं और दिया, तो वो थोड़ी देरों में फट जाएगा, लेकिन वो उसकी थिकनेस अगर बढ़ा दी जाए तो वो ज़्यादा जो है वो हैंड्स को एक्सचेंज कर सकता है। सेम यही प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए भी किया गया कि उसको थिकनेस उसकी ज़्यादा कर दो ताकि वो बार बार रिसाइकल होता रहे। फिर ये जो रूल्स हैं उनको पहले जो सिर्फ म्यूनिसिपल एरिया तक ही वैलिड थे उनको रूरल एरियाज़ में भी एक्सटेंड किया जा रहा है, और प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स जो है वो लाई जा रही है, जो कि इन गाइडलाइंस में आपने ऊपर देख ही लिया है। अब जो लोग प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं उनको पहले से ही रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे इंपोर्टर हो, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट नज़र रख सके कि वो कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करना है, इन गाइडलाइंस में कहा गया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो कि हम प्लास्टिक का अल्टरनेटिव मान सकें, इसीलिए हमको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम रिसाइकलिंग रीयूज सर्कुलर इकोनॉमी हमको बनानी पड़ेगी जब तक हम प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेते, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो यू नो दैट ऑन 21st February वी सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, एंड इन इंडिया ऑल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट फॉर द नेक्स्ट 2 days। इट विल बी सेलिब्रेटेड एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, दैट इज इन न्यू दिल्ली। सो यू नो दैट दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अवेयरनेस of linguistic and cultural diversity and also to promote multilingualism, okay. So the idea to celebrate this day came from Bangladesh, just remember this because it's not India. Generally you may be thinking that this mother language day could have been suggested by India, but no, it is Bangladesh,
एंड दिस सजेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को एंड एंड दिस जनरल कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड दैट 21st February विल बी सेलिब्रेटेड एज दिस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. सो इन द ईयर 2000 दिस डिसीजन वॉज टेकन. एवरी ईयर यूनेस्को सेलिब्रेट्स दिस डे एंड दे चूज अ थीम फॉर दैट ऑल्सो. सो लाइक दिस ईयर द थीम इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लिंग्वल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. सो दिस इज द थीम फॉर दिस ईयर. So now, let us see the next topic, which is EV charging infrastructure. So Ministry of Power has recently revised consolidated guidelines and standards of EV charging infrastructure. Of course, these guidelines were issued in the middle of January last month, but these guidelines have been consolidated now. But before seeing these guidelines, let us see the status of EV charging infrastructure in India. So according to Ministry of Power, the goal of the government is to have at least one charging station in a 3x3 kilometer grid in India. So currently we have about 1,640 operational public EV chargers, and they are mostly confined in the 9 mega cities. Okay, so government is initially focusing upon these 9 mega cities, which have of course the a population of more than 4 million, and additional 678 public EV charging stations have been installed in these 9 mega cities between October 2021 to January 2022. Okay, so 1.8 new electric vehicles have been added in these 9 mega cities during this period. So that's why you may be witnessing that there is this is the growth. This growth in EV charging stations is being focused upon in these 9 mega cities because there is a growth in new electric vehicles in such cities. Okay, so what are the guidelines now? Let us see that also. So Ministry of Power has issued these guidelines, and the guidelines say that we want to create an affordable tariff scheme which will be charged of course by the public EV charging stations, and these guidelines also say, or these standards also say, that the government wants to enable owners of electric vehicles to charge their EVs at their residence or offices also using the electricity connections. A revenue sharing model has also been suggested so that the public charging infrastructure facilities become financially viable, and more people can be, or more industries or industrialists or businessmen can be motivated to enter into such business agreements so that they can open more and more EV charging stations in the country. So certain timelines have also been prescribed for the public charging stations to provide connectivity, and so that we can roll out EV public charging infrastructure faster in the country. Technical requirements have also been prescribed for these public charging stations. So even during this all these guidelines, oil marketing companies have committed that they will be setting up 22,000 EV charging stations in prominent cities of the country as well as on the national highways. Okay, so now let us see the next topic, which is active galactic nuclei. So recently an observation has been made, and they have found the roughly donut shaped cloud of cosmic dust and gas. It is located near inside the Messier 77 galaxy. So it is situated at the center of this Messier 77 galaxy. So this galaxy is similar to the size of our Milky Way galaxy, but there is a supermassive black hole at the center of this galaxy, and at the center of this galaxy there is tremendous luminosity. So a lot of energy is being emitted through this center, that is the nuclei of this galaxy, because of the presence of supermassive black hole, and a lot of gases are being emitted, and probably these gases are emitting this luminosity, and a lot of energy outbursts are also being witnessed from this particular nuclei of this galaxy, which is considered as active in this area. Okay, so this Messier 77 is of course the galaxy which is similar to our Milky Way galaxy. It is located 47 million light years away from the Earth. It is also called NGC 1068 or the Squid Galaxy. It has a supermassive black hole which is about 10 million times greater than the Sun. Okay, so now let us see the next topic, which is UV Swaminathan Iyer ji.
सो पीएम मोदी हैज़ पेड ट्रिब्यूट्स टू तमिल थाथा, ही इज़ कॉल्ड तमिल थाथा बाय द तमिल पीपल, यूवी स्वामीनाथ अय्यर जी. सो ही वॉज अ तमिल स्कॉलर एंड रिसर्चर. ही ब्रिंग बैक टू लाइफ मैनी फॉरगॉटन वर्क्स ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर. He published over 90 books in his lifetime, and he is connected with several manuscripts and notes of several kinds. And basically, he worked upon Tamil literature and brought back to life many of the old works which were forgotten by the people. He is affectionately called Tamil Thatha by the people of Tamil Nadu. Okay, so the Tamil Thatha means Tamil grandfather. Okay. So now let us see the next topic, which is Guantanamo Bay. So Guantanamo Bay is a military facility or a naval base of USA, and it has been converted into a military prison. But because of a lot of issues here, it is of course located at the coast of Guantanamo Bay, that is in Cuba. You know that US and Cuba does not enjoy a very cordial relationship. They have been at loggerheads several times because of course communism in this country of Cuba. But they have forcibly, US has forcibly taken this Guantanamo Bay, and it pays a meager amount to Cuba for that annually. So this area is serving, this Guantanamo Bay facility is serving as a military prison where high level convicts or high level terrorist accused people have been detained. They have been detained indefinitely here without any trial, and torture is being done to them as per, of course, Amnesty International. Several, you may have seen several documentaries regarding this also. Okay, so there has been considerable criticism against the United States for this Guantanamo Bay facility. So several presidents have been requested, from Obama to even President Trump. And now the news is coming that President Biden is slowly releasing these prisoners from Guantanamo Bay facility. And maybe the government of US is preparing to close down this Guantanamo Bay facility because it has been a cause of excessive criticism of the United States, who claims to be a harbinger of human rights. Okay, so now there is another fact that this facility was of course established by US President George W. Bush in the year 2002 after he declared the war on terror following the 9/11 attacks. Okay, so now let us see the next topic, which is moths. So moths are basically nocturnal species. They are insects, and they have been found to be vital for pollination also in the Himalayan ecosystem of Northeast India. So what is pollination? This is a very basic question. So pollen grains, you know that these pollen grains are transferred from one from an anther, that is the male part of a flower, to the stigma, that is the female part of a flower, for fertilization, of course. And these there are pollen agents like animals, birds, insects, who draw out these pollen grains from the one part of the flower to another part, and this causes reproduction in these flowers. So a lot of studies have focused upon only diurnal means operating during the daytime. Okay, so these diurnal pollinators have been focused upon by several studies, but the role of nocturnal pollinators have not been have received less attention. Okay, so but this study is focusing upon moths, who are the nocturnal species. So it has been found that about 65% of moths have carried sufficient quantities of pollen grains to be considered as the potential pollinators. So what are moths? So moths are basically paraphyletic group of insects. So paraphyletic means they do not have a common ancestor, unlike butterflies who have one. And these moths are generally nocturnal in species as compared to these butterflies, who are generally diurnal. So these moths have been found to be a successful pollinator. Okay, so now let us see the next topic, which is extended producer responsibility on plastic packaging. So Ministry of Environment has notified the guidelines for extended producer responsibility on plastic packaging. So you know that plastic waste management rules of 2016 were amended recently,
एंड दीज रूल्स हैव बीन हैव एन एलिमेंट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वन वी वर कवरिंग दीज रूल्स आई थिंक 3-4 months बैक देर वॉज अ पॉइंट दैट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्सड बट ऑफकोर्स दीज द गाइडलाइंस वर नॉट इशूड एट दैट टाइम. सो नाउ दीज गाइडलाइंस हैव बीन इशूड. सो दीज गाइडलाइंस से दैट द प्रोड्यूसर्स विल बी promoted to strengthen the circular economy of plastic waste or plastic packaging. So what is circular economy? So basically you reuse that plastic, you recycle that plastic, so that this plastic does not go into waste and it becomes a part of the economy. And reuse of rigid plastic packaging material has been made mandatory under these guidelines. So a certain minimum level of recycling of plastic packaging waste has also been made enforceable. So because recycling has been made mandatory or reuse has been made mandatory, it will develop a plastic waste management industry. A separate industry would be made and it will of course handle this plastic waste. It has also allowed the sale and purchase of surplus extended producer responsibility certificates. So let's say I am a recycler or I am a producer of plastic, but I have a minimum obligation that let's say I am a producer of 100 units of plastic and the government guidelines say that you have to handle at least 50% of your plastic waste, but I overperform and I successfully reuse and successfully manages 80% of my plastic waste. So it means that I have performed 30 units more than the requirements. So I can, because I have performed 30 units more, I can sell that 30 units of my plastic, my obligation to, let's say, Samsung or any other plastic producer who has underperformed by 30 units. So they will pay me for that and I would be able to trade these certificates in return for money. Like you know about carbon credits, a similar arrangement has been put forward for the plastic waste management also. So a customized online platform will also be of course brought by the government, and this will act as the digital backbone of this system. An environmental compensation levy will be imposed upon those who would fail to fulfill the extended producer responsibility, and the government will utilize this levy to collect, recycle and manage the end of life disposal of uncollected plastic waste. Okay, so these guidelines are going to come into effect from the 1st of July this year. So while we are seeing these guidelines, we shall also focus upon or we shall also revise the recent amendments to the plastic waste management rules. So the recently the minimum thickness level of plastic carry bags have also been increased. Like I was giving the example of a currency note, if that note is very thin, then it would break only after a few hands, after being exchanged by few hands. But if that currency note has a very high thickness level, it would be able to withstand damages. Similarly, if plastic carry bags are high in thickness or they are very thick, they would we would be using those plastic bags very much instead of throwing them in waste. So these basically the aim is to recycle and reuse these plastic bags and do not let them to go into waste. So these plastic waste management rules have also been extended from municipal area to rural areas, because of course plastic has also reached the rural areas. So extended producer responsibility has been issued, guidelines for that we have just discussed above. Okay, so plastic waste management fee will be also be collected, and pre-registration of plastic producers will be done, importers of plastics or plastic bags etc. will be done, so that the government can keep an eye over them. So once they will pay the fee at the beginning level, they would not be able to escape scrutiny. So use of plastic waste for road construction has also been mandated under these rules. Okay, so until we find an eco-friendly product which is the alternative to plastic, we have to focus upon these plastic waste management systems, because there is no other alternative available as of now. Okay, so until we find an eco-friendly alternative, the government wants to manage these plastic waste
इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर थ्रू अ सर्कुलर इकोनॉमी. ओके, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.